सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ पे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे तारिक फतेह साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारत के बारे में और जो हाल फिलहाल के मुद्दे चल रहे हैं उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें हमें बताएंगे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कमर सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्य साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। मैं सब आज आपसे बात करनी है, और वो बात करनी है कि मोस्ट रिसेंटली इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें पाकिस्तान के रिलेटेड भी एक बात थी। और वो जो उन्होंने बात की, दैट वाज के जी अमन के हवाले से पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना, अमन का फैसला हम करेंगे कि कब करना है, किससे करना है, कितना करना है। तो बेसिकली दो तरह की चीजें हैं। एक तो होता है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इंटरनल ऑडियंस के लिए, लेकिन अजीत डोवल साहब पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, इज अ ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इज अ ब्रेन जिनको नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग उनकी जो माजी की सर्विसेज हैं, वो जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझते हुए जो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हमें लेना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट डोवल साहब ने दी, दैट वॉज ए टफ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको भी ऐसे ही लगता है इस हवाले से कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, या जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम सोच रहा है, दैट इज नॉट थिंकिंग कि चीजें नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। इट मींस के चीजें मेस्ड अप हैं, और जिस तरह इंडिया समझ रहा है कि हमारा जो ऊपर एज है इस वक्त इन टॉक्स और पाकिस्तान के ऊपर शायद, तो वो मेंटेन रहेगा। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे और अनअर्थ करेंगे? पहली बात तो थैंक यू चीमा साहब बुलाने के लिए मुझे अपनी शो पे। चीमा साहब, इसमें दो तीन बातें मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि आपको शायद पता नहीं, पता डोवल साहब पाकिस्तान रह चुके हैं कई साल, लाहौर में रहे जी, उन्होंने रिक्शा चलाया था लाहौर में, ही वाज रिक्शा चलाते थे लाहौर में, और मस्जिद भी जाते थे, बड़े मस्जिद लाहौर में नमाज पढ़ने के लिए। ही हैज स्टेड अंडर कवर इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के बस स्टैंड, उनके रिक्शा, उनके कैंट के बाहर वाले एरिए, कैंट के अंदर वाले एरिए, ये सब उनके, मतलब ही अंडरस्टैंड्स सोशल पाकिस्तान, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, मैं आपकी नज़र ज़रा थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ, पास में ले जाऊँ चीमा सर। एक किताब है रेडर्स इन कश्मीर, रेडर्स इन कश्मीर मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास पीडीएफ कॉपी पड़ी हुई है चीमा सर, आई विल सेंड इट टू यू। ये किताब लिखी है मेजर जनरल अकबर खान ने, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, उन्होंने लिखी थी कि किस तरीके से वो लीड करके लाए थे रेडर्स को, कवायलियों को, और इसमें पाकिस्तानी आर्मी जो सिविल ड्रेस में थी वो किस तरीके से ऑपरेट करी, पाकिस्तानी एक मेजर जनरल की है किताब, मेरे पास पड़ी हुई है फोन पे, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, पढ़िएगा, इट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि फिल्म चल रही है आपके, वो किताब लगती नहीं है, वो फिल्म टाइप की है, वो बहुत शानदार है। दूसरी किताब है, आपने बड़ी सुनी होगी, बड़ी मशहूर है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जो लिखी थी जनरल अयूब खान ने। और फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की, जिसमें अखनूर के ऊपर, जम्मू एरिया में पड़ता है चीमा साहब अखनूर, और जम्मू सिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है, ये अखनूर, आरएसपुरा चले जाते हैं, अखनूर चले जाते हैं, सुंदरबनी, ये सब, ये ऑल दिस इज वेरी क्लोज बाय जम्मू, और ये जम्मू के एरिया में ही जाता है, जम्मू टाउन से, जम्मू सिटी से, माफ कीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं है, आप उसके बारे में पढ़िएगा। फिर अगर मैं आपकी नजर ले जाऊं, जो ऑपरेशन चंगेज खान है, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स आप पढ़िएगा, तो इसमें से कोई इंडियन ऑथर की मैं बात नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडियन ऑथर, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ऑथर्स, मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, उनकी किताबों का, आप मेरे पास पढ़ी है किताबें वो। एक चौथी चीज है इन द लाइन ऑफ फायर, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखी थी। अच्छा, इसमें से आपके दो तो आर्मी चीफ थे, अयूब खान साहब और परवेज मुशर्रफ साहब, और साथ में वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मेजर जनरल अकबर खान दैट टाइम ही वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, उस जमाने में मेजर जनरल्स वर वेरी सीनियर, अब इवन नाउ दे आर सीनियर, बट उस जमाने में थोड़ा सा क्या है कि उतने लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं हुआ करते थे,
तो अगर आप ओवरऑल देखें, मैं डोवाल साहब की जो चीज है जो उन्होंने बोली, उनके बयान का ना एक हिस्ट्री है, उसको जारहाना बयान की तरह ना देखा जाए, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हर समय पाकिस्तान हैज डिक्टेटेड कि कब जंग होगी और कब अमन होगा, बहुत पहले से, आज की बात नहीं है। और मैं आपको किताब का हवाला दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताया, और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स में अगर आप जाके पढ़ेंगे, जो पाकिस्तान ने खुद लिखी है, उसमें देखिएगा, ये ऑपरेशन चंगेज खान जो कि 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 11 एयरफील्ड्स पे इंडिया के अटैक हुआ था 1971 की जंग के पहले। हालात उससे पहले खराब हो चुके थे चीमा साहब, वो जंग तो तब शुरू हुई फॉर्मली, हालात उसके पहले काफी खराब हो चुके थे, 1.5 साल 2 साल से खराब चल रहे थे। कारगिल का मैंने आपको हवाला दिया इन द लाइन ऑफ फायर। तो क्या है कि इंडिया को हर समय ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान का मन चाहता है पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 FIR फाइल हो चुके हैं, पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल FIR अगेंस्ट 2611, वो पाकिस्तान के अंदर के FIR है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, जब पाकिस्तान की मर्जी होती है पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बात मुझे एज अ ह्यूमन बींग समझ में आती है। कारगिल के लिए तो कोई वो नहीं था, जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब चढ़ दौड़े थे तो कारगिल के लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि कारगिल में इंडिया ने कुछ छेड़ा था, हमारी तो एक ट्रीटी थी, 19 मैप्स थे, आपने भी साइन करे, हमने भी साइन करे, वो मैप साइन करके हम लोग चुपचाप बैठे थे। 1999 में पाकिस्तानी फौजें कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर रह गई, बाकी ऊपर आए, ये बोला गया कि मुजाहिदीन है, हम लोगों को नहीं पता, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं कोट अनकोट। उसके बाद ये कारगिल की जंग शुरू हुई। पहले पाकिस्तान ने मना करा कि हमारे बंदे ही नहीं है, फिर बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान को और काफी लोगों को उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए, और फिर बेरियल्स भी हुए जिसकी वीडियो पूरी मौजूद है। चीमा साहब बेसिकली चीमा साहब कहने की बात यह है कि अंडर द डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रीन, और यू कैन कॉल इट द डोवाल डॉक्ट्रीन ऑल्सो, आप उसको डोवाल डॉक्ट्रीन भी कह सकते हैं, आप उसको डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रीन भी कह सकते हैं, इंडिया उसके मतलब कई सारे हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो बेटर देन मी व्हाट इट स्टैंड, यू हैव डन अ स्टडी ऑन इट। उसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है, उसका एक इमोशनल और मेंटल साइड भी है, और उसका मेंटल साइड ये भी है कि इनिशिएटिव विल नो लॉन्गर बी विद पाकिस्तान। एक एक उसका जो वो है वो ये है कि इनिशिएटिव आज तक पाकिस्तान ने लिया। 1947-48 की बात करें जंग की, मेजर जनरल अकबर खान साहब की मैंने किताब का आपको हवाला दिया है, या फिर हम बात करें 65 वॉर की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान साहब की मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवाला दिया है, मैंने 1971 ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तान मिलिट्री आर्काइव्स की का हवाला दिया है आपको, और जो हमारे चौथी लड़ाई थी कारगिल की, उसमें इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का मैंने हवाला आपको दिया। दिस इज वेयर द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स अप एंड सेज दैट यू, अब जब मन चाहे पाकिस्तान बोले कि अमन होगा, फिर किसी का मूड खराब हो, वो चाहे वो पॉलिटिशियन और मिलिट्री, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं मानता हूं कि जेन्युइनली वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर, जेन्युइनली बुलाया था, सच्चे दिल से बुलाया था मियां साहब ने, उनके मन, मैं ये मानता हूं एज एन इंडियन कि मियां साहब के मन में कोई मैल नहीं था, लेकिन पीछे से गेम हुआ जो भी हुआ, और आप जानते हैं कि मीनार ए पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है, चीमा साहब आप बेहतर जानते हैं मुझसे, वहां पे वाजपेयी जी आए थे, यू नो ही केम देयर, तो जो पाकिस्तान में बड़ा एक शिकायत है कि इंडिया ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो शिकायत भी दूर करने आए थे कि जनाब हम कौन होते हैं तस्लीम करने ना करने वाले, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, हु आर वी टू से दैट वी रिकॉग्नाइज और डोंट रिकॉग्नाइज, पाकिस्तान इज अ रियलिटी एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट, सो इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइजेज इट, लेकिन ये सब चीजें हुई, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चीमा साहब कि नाउ वी विल डिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग, फॉर 70 years पाकिस्तान हैज डिसाइडेड दैट जंग कब होगी, अमन कब होगा, बट नाउ वी हैव हैड इनफ, नाउ इंडिया विल डिसाइड। तो जो एनएसए साहब ने बात करी थी, ही स्पोक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो मैं सर बिल्कुल, आपने जो हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए अलोंग विद द बुक्स एंड ऑल दैट, वो दैट मेड सेंस, बिकॉज बहुत सारे लोगों का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी इसी इन्हीं लाइंस पे मिलता है,
कि ये बात जो है वो भले ऑपरेशन जिब्राल्टर हो या कारगिल हो, ये कहीं ना कहीं पे एक किस्म की एडवेंचरिज्म थी। 2014 पे अगर आ जाएं, अगर वो जो बात करते हैं दोवल साहब, 2014 ऑनवर्ड जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं पावर में, तो आप क्या देखते हैं? अब नाउ द टाइड हैज टर्न, अब आप क्या समझते हैं? वो जो दोवल साहब कहते हैं कि हम अमन का डिसाइड करेंगे, तो इट मींस द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट के, फॉर इंस्टेंस जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने, और एक दो दफा ये हुआ कि 2016 में जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर जब अभिनंदन का ये केस हुआ उस पर जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये जो चीज है इसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, जब हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड स्केयर वॉल अंडर ए न्यूक्लियर ओवरहैंग, कि हम हमेशा एक स्टेटमेंट हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में जहां मैं पढ़ता था इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे जो प्रोफेसर होते थे। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या समझते हैं ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले डायलमा है? बहुत सारे लोगों ने कहा पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं वाकई इंडिया विल जिसे कहते हैं ना, किसी ने कहा जी हॉट परसूट है, हालांकि हॉट परसूट वाली डॉक्ट्रिन यहाँ पे लगती नहीं थी, यानी और सो आप कैसे देखते हैं मेजर साहब कि ये जो टर्न है कि अब इंडिया जो है अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायोलेट करता है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री को वायोलेट करता है, तो आप क्या समझते हैं ये जो एडवेंचरिज्म होगी, या जो इंडिया कहता है जी कि हम हमारा ये हक है कि अगर लेट्स से हम वहां पे अटैक करना चाहते हैं, तो डू यू सी के फिर ये तो वो जो लिमिटेड स्केल वॉर वाली बात है वो तो उसकी तो पॉसिबिलिटी दैट इज ऑन द कार्ड्स। मतलब लास्ट टाइम भी अगर जो हुआ था, अगर पाकिस्तान पायलट ना वापस भेजता या उस वक्त लीडरशिप ना सोचती कि अगर एक चीज हुई है उनसे, उन्होंने स्ट्राइक किया बालाकोट में, उनके फिर जहाज आए, हमने गिरा दिए, वापस कर दिया सोल्जर जो अभिनंदन को वापस कर दिया, तो दैट वाज अ गुडविल जैसे डीएस्केलेशन थी। तो आप क्या समझते हैं कीपिंग इन माइंड 2014 ऑनवर्ड एंड लुकिंग दीस बिहेवियर्स विच हैज अ कंप्लीट बैकिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट इन इंडिया, आप कैसे देखते हैं चीजें आइंदा आने वाले दिनों में जो अनर्थ होंगी वो जो है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटेड स्केल वॉर अगर मजीद जो है वो किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि जी ठीक है अगर इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे पास भी तो चॉइस है, हम भी तो कर सकते हैं, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है नॉट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त चॉइस ही कोई नहीं है, मतलब आगे ही बहुत सारी चीजें पॉलिटिसाइज हुई हैं पाकिस्तान में। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर आइंदा भी इंडिया का प्लान है, क्योंकि लग तो ये रहा है दोवल साहब बात कह रहे हैं कि दे विल डू इट अगेन, तो आप फिर क्या देखते हैं? फिर आप लिमिटेड स्केल वॉर देखते हैं, छोटी सी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मिसाइल फायर हो गया, काजी एक्सीडेंट था हमसे पता नहीं चला, तो आप इस सबको इसको किस कैलकुलेशन में लेके आएंगे? चीमा साहब बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका इस तरीके से जवाब दूंगा कि 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, तब से मोदी जी ने 2014 में और 2015 तक मोदी जी ने कोई अग्रेसिव बात नहीं करी थी, उन्होंने मियां साहब को अपनी स्वेयरिंग इन के लिए बुलाया भी था, उनको वार्म वेलकम करा पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो एक पाकिस्तान जैसी एटमी रियासत के वजीर आजम को मिलना चाहिए, विथ फुल ऑनर्स एंड फुल यू नो पॉम्प एंड शो एंड एवरीथिंग, प्रोटोकॉल के साथ मियां साहब को वेलकम करा, ही वॉज सिटिंग देयर, उनके घर में फंक्शन था, ही सेड आ जाओ मोदी जी, अगेंस्ट द एडवाइज ऑफ द एसपीजी द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड द प्रोटोकॉल पीपल, ही सेड कि नहीं बुलाया है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मामला घर का, यह पॉलिटिकल मामला डिप्लोमेटिक मामला नहीं, मेरे दोस्त ने घर पे बुलाया है, और दोस्त बुलाएगा, घर में शादी है, यू नो लड़की की शादी है तो जाना चाहिए, देयर आर सोशल कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, की बिटिया की शादी है मुझे जाना चाहिए, आपके यहाँ भी आई थिंक यही चीज होती होगी कि हाँ बेटी की शादी है तो देन यू गो, एंड मोदी जी गए भी एंड आई थिंक दैट वाज अ गुडविल जेस्चर। उसके बाद जो हुआ, चाहे उड़ी वाला मामला चाहे पठानकोट वाला मामला, थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग बैक टू अस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मियां साहब ने समझाया भी होगा कि साहब इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल, ये सब मैं नहीं कर रहा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यही चीज मियां साहब ही जब प्राइम मिनिस्टर थे तब कारगिल भी हुआ था, अब सेम प्राइम मिनिस्टर on another this thing he comes and then he talks about ki sab ye mere control mein nahi hai, ye to kisi non state actor ne kar diya ya fauj ne karwa diya, jo bhi xyz mujhe nahi pata kya story hai, lekin ye kaam ho gaya. Jahan tak aapne bola ki you know there is possibility of a limited conflict under the nuclear overhang, ye baat hum log bhi kehte hain Chima sir, to iske do pehlu hain, jo India Rafael khareed raha hai ya India S-400 khareed raha hai, मोस्टली फॉर चाइना, ये बात सच है, मोस्टली फॉर चाइना,
और इंडिया ने ट्रूप्स भी मूव करे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न बॉर्डर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया हैज लोअर्ड इट गार्ड्स अगेंस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान. वहां पे भी हमारा जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है चीमा साहब, हमारी मैक फोर्सेस का, हमारी आर्टिलरी का, हमारी इन्फेंट्री का, हमारी स्पेशल फोर्सेस का, और सबका वहां पे है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. एंड वी बिलीव एंड वी आर प्रिपेयरिंग बिकॉज वी कैनॉट लेट आर गार्ड डाउन. वी फर्मली बिलीव, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे फर्मली बिलीव दैट यस, अ लिमिटेड वॉर विद पाकिस्तान विल हैपन. जहां तक पाकिस्तानियों का ये मानना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू गो न्यूक्लियर इन केस ऑफ एन इंडियन एग्रेशन और इंडियन वॉर, इंडिया को लगता है कि दिस इज ब्लफिंग. क्योंकि बहुत समय तक पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम तो कारगिल पे चढ़ जाएंगे, हम तो तुम्हारे 527 बंदों को वीरगति को प्राप्त हो गए जो उनको हमने मार दिया वो हम कर देंगे, लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो हम बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर. सो मिलिट्री प्लानर्स इन इंडिया एंड द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन इंडिया हैव डिसाइडेड. अब जैसे पाकिस्तान से कोई भी कहता है, शेख रशीद साहब है, हो सकता है हम लोग हंस भी दें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि शेख साहब कहते हैं पाव पाव किलो के बम है और हमारे पास ऐसा बम है जो कि मुसलमानों को सेफ रखे लेकिन हिंदुओं को मार दे, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा है. बट देखिए इन इंडिया दे हैव सेड ओके, है ना, एंड दे हैव नोटेड इट डाउन एंड दे हैव सेंट इट टू वेरियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डील विद सच मैटर्स कि हियर इज द सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ न्यूक्लियर कंट्री who's actively talking about a nuclear strike. अब हो सकता है कि शेख साहब ने मजे मजे में कहा हो, पर ये बहुत इन द लॉन्ग रन ना बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे हिंदी में कहते हैं, विद ड्रॉप्स, यू नो, स्मॉल लिटिल ड्रॉप्स एंड ओशन फिल्स अप. सो ऐसे स्टेटमेंट्स देना, तो भारत का ये मानना है कि एक तरफ ठीक है पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, हम तो उनको नहीं रोक सकते, उनकी फ्री विल है वो बोलें, इसको हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे कि दिस यू नो द पीपल हियर हु आर विद द न्यूक्लियर वेपन्स हियर they are highly responsible because even Imran Khan has said Kashmir ke upar nuclear war ho sakta hai. Inko ye nahi pata ki nuclear weapon ka word muh se lena hi nahi hai. Inko kisi ne ya to bataya nahi hai, educate nahi kara. Nuclear weapons aapke paas hai, aap chup rahiye bilkul, aapko bolna nahi hai uske bare mein. Ramiz Raja sahab jo bade mashhoor cricketer hain aur ek Bollywood film Gulami mein bhi wo hero bane the, Ramiz Raja sahab, aur bade mashhoor cricketer hain aur पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो आई थिंक चेयरमैन भी रह चुके हैं, समथिंग लाइक दैट. वो भी एक बार कमेंट्री में उनके मुंह से निकल गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था कि यू नो अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर. यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टेकन, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन, और इसमें हिंदुस्तानी बड़े तेज हैं. आपके मुंह से कुछ निकलेगा, इट विल बी नोटेड, इट विल बी प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू द राइट पीपल इन द वर्ल्ड. मेरा ये कहना है चीमा साहब कि जंग होनी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, लेकिन देर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ये होना है. और जहां तक पाकिस्तान का ये है, और जाहिर सी बात है क्योंकि एसिमेट्री है ना कन्वेंशनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के ये विजडम क्या कहता है, विजडम तो यही कहता है, नॉर्मल कॉमन सेंस यही कहती है कि पाकिस्तान के पास उतने ट्रूप्स नहीं है, उतने टैंक्स नहीं है, सो कन्वेंशनल एसिमेट्री है. तो पाकिस्तान को अगर ऐसा लगेगा कि साहब उसका उसका वजूद ही खतरे में आ गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, फिर तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम ही चलाएगा. ये एक ओवरऑल थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर. इंडिया के अंदर ये थिंकिंग है कि ऐसा नहीं है. अगर आप शैलो थ्रस्ट करते हैं 40-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं करेगा ऐसा, हमारा मानना है नहीं करेगा. ये गीदड़ धपकी कहते हैं इसको हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू, बट ये ऐसी है, ये बोल रहे हैं हर समय बोलते हैं. फिर एग्जांपल दिया जाता है, जो शेख रशीद ने भी ऐसी बोल दिया था ऐसी बोलते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, और अगर लड़ाई होगी वी विल गो इनसाइड. सो हम जो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे, इट इज नॉट दैट कि वी डोंट थिंक कि लड़ाई होगी नहीं, वी थिंक कि लड़ाई होगी. देयर विल बी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड आल्सो विद पाकिस्तान, दोनों के साथ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. चले, ये तो बात आपकी समझ आ गई कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्लफ कर रहे हैं. ये बहुत देर से बात जो है वो चल रही है इंडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है. शेख रशीद का रेफरेंस दिया जाता है, शेख रशीद ऑब्वियसली जो है मैं समझता हूँ सबको पता है एक बड़े वो इस तरह के एक्टर हैं, लेकिन जारी बात है बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर हर लफ्ज की वैल्यू है. और ये सिर्फ आपने नोट किया, पूरी दुनिया में ये नोट किया जाता है कि कौन किस मुल्क का कौन सा मिनिस्टर किस पोजीशन में और क्या बात कर रहा है. सो ये चीजें तो हैं, लेकिन बार बार जब आप लफ्ज ब्लफ बोलते हैं मेरे साहब, तो आप जारी बात है आप पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हिस्ट्री से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे कि जो पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, ठीक है, तो फिर हमने जैसे देखा कि हालात जो हैं वो इस तरह के बदल रहे हैं
कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं ये दे कैन नॉट बी यूज्ड। सो और पाकिस्तान ने जो जो जिसे कहते हैं ना जो न्यूक्लियर की थ्रेशोल्ड है वो भी बड़ी करीब नीचे कर दी हुई है। फॉर इंस्टेंस एंड दैट इज ऑब्वियसली टू स्टॉप द कन्वेंशनल वॉर, जिस तरह के आप बात कर रहे थे। थ्रेशोल्ड ये है कि भाई हम हमारे पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं विच इज नसर के नाम से, दैट इसकी रेंज को 60 किलोमीटर के करीब है। सो वो जो शेख रशीद कहते हैं वो मेरा ख्याल है इसको जो है वो कॉल्स इट पाओ पाओ आधा पाओ, वो इट्स नॉट लाइक दैट पाओ आधा पाओ एक किलो, दैट इज बेसिकली जो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत टैक्टिकल न्यूक्स है, टैक्टिकल न्यूक्स न्यूक्लियर वेपन्स हम उन्हें कहते हैं, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हम उन्हें कहते हैं, टैक्टिकल लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल होता है। सो जो ये चीज वो कर रहे हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ जाना, एक लॉन्ग रेंज आपके हमारे पास मिसाइल रेंज है 2000-2500 भी जा सकती है, 60 किलोमीटर पे भी जा सकती है। सो इट मीन्स कि और उसका फिर मैं देख रहा था कि जो रेडियस भी आई थिंक 1 into 1 किलोमीटर है उसका, वो डायमीटर बड़ा नहीं है कि वो दैट विल हैव अ लार्जर और बिगर चीमा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर यू चीमा साहब, आई कांट हियर यू। आवाज आपकी नहीं आ रही चीमा साहब, आप चाहते हैं कि मैं आपको आवाज आप क्लियर है, आप क्लियर है, आप क्लियर है चीमा साहब, आप क्लियर है। अच्छा चले मैं ऐसे बोल लेता हूँ, तो वो उसमें ये है कि वो आखिरी बात में जो अभी फिर बंद हो गई चीमा साहब, फिर बंद हो गई, आप किसी चीज आप कोई बटन दबा रहे हैं मुझे लगता है। जी जी वो एक्चुअली मैंने एक बटन अनम्यूट का दबाया था तो वो अभी जो है वो अनम्यूट किया हुआ, लेकिन वो कह आपको आवाज आ रही है, खैर नहीं हो। तो आखिर में जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ बिकॉज द पर्पस इज टू मेक यू क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने थ्रेशोल्ड नीचे कर दी हुई है, इन अ सेंस कि इंडिया न्यूक्लियर का वो अगर कन्वेंशनल करेगा तो हमारे पास छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, तो फिर इंडिया को नहीं देखता कि ये जो ब्लफ है ये किसी ना किसी जगह पे ये ब्लफ नहीं रहेगा बिकॉज हमने वो उसको नीचे कर दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए दो चीजें हैं, अगर आप टैक्टिकल न्यूक्स यूज करते हैं भारत के ऊपर जिसको आप कहते हैं नसर का 60 किलोमीटर का रेंज है, तो आप पाकिस्तान की सरजमीन पे करेंगे क्योंकि आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब इंडिया अंदर चला जाएगा पाकिस्तान के, और अगर आपको भारत के ऊपर करना है तो फिर आप तभी करेंगे, अगर आप भारत के अंदर मारना है फिर आपको तो फिर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहे, फिर आपको अपना लॉन्ग डिस्टेंस वो हतफ और आपके बाकी जितने भी हैं आप फिर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है चीमा साहब, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जैसे पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम कर दिया, इंडिया ने अपना कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड कम कर दिया। इसमें और दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आप समझते हैं ये, हो सकता है व्यूअर्स ना समझें। ऐसा है कि इंडिया ने ये बोला है कि देयर विल बी आर्म्ड रिस्पॉन्स, देयर विल बी मिलिट्री रिस्पॉन्स, देयर विल बी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, देयर विल बी इकोनॉमिक रिस्पॉन्स। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, आपको याद होगा कुछ दो तीन एपिसोड पहले, ये ही है वो। तो जिस तरीके से इंडिया जाके वर्ल्ड के साथ लॉबी करता है, ठीक है, वर्ल्ड के साथ लॉबी करता है इंडिया, और इंडिया ये बोलता है कि ठीक है आप पाकिस्तान को FATF में रखें। मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा था कि करीब 38 अरब डॉलर का अभी तक पाकिस्तान को लॉस हो गया है, 38 अरब डॉलर्स का, बिकॉज ऑफ FATF, ऐसा मैंने पढ़ा। तो मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट मैंने पढ़ा ऐसा। तो चीमा साहब ये जब पाकिस्तान, तो अलग अलग, अब पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ महीनों में FATF से बाहर आ जाए, राइट? जैसे ये थ्रूपुट एक पाइप होता है चीमा साहब, आप इसको ऐसे समझिए, मैं मैनेजमेंट का जार्गन इस्तेमाल कर रहा हूं, जो पाइप है, पाइप में से आप नल में पानी जाएगा पाइप से और बाहर निकलेगा, हजारों लीटर पानी निकल जाए उसके अंदर, लेकिन पाइप के अंदर जो एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जितना पानी रहता है वो पानी एक ही होता है। अगर पाइप के अंदर 1 लीटर पानी है तो एक ही लीटर रहेगा जब तक पानी आ रहा है, विद इन दैट पैरामीटर ऑफ द पाइप, the total you know size of the pipe, so the throughput in the system remains the same. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर FATF में है तो पाकिस्तान के पास political instability भी है, और पाकिस्तान के पास IMF के program जाके जो पाकिस्तान में cost of living बढ़ रही है ये भी है, और वो बढ़ती रहेगी जब तक पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि बगल में बॉर्डर है हमारा, अटारी वाघा येरा लाहौर, कितना दूर है, इट्स हार्डली 1 आवर ड्राइव फ्रॉम अमृतसर। तो
अब जब ये बात करेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, इंडिया कहेगा नहीं साहब आपने रोकी थी, अब हम डिसाइड करेंगे, हमने नहीं रोकी थी ट्रेड, ट्रेड तो चल रही थी, इमरान खान साहब ने बोला 5 अगस्त के बाद कि जी। तो चीमा साहब आप FATF से भी निकल जाएंगे लेकिन परेशानी उतनी रहेगी क्योंकि थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम। चीमा साहब दो तीन परेशानियां रहेंगे, आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे फिर भी थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम, द थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम इवन आफ्टर 10 years। सो जब हम बात करते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच की चीमा साहब, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर सर इज दैट इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स, जैसा पाकिस्तान सोच रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर स्कोप ऑफ अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, वो तो है ही, वो तो हम भी मानते हैं आप भी मानते हैं, उसमें हमारी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लेकिन दिस इज वॉर बाय अदर मींस। जब हम कहते हैं वॉर बाय अदर मींस, तो आप किस तरीके से यू वेज वॉर बाय अदर मींस, दिस इज इकोनॉमिक वॉरफेयर राइट, जैसे चीजों के दाम बढ़ने, जाहिर सी बात है, एंड इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फ्यूल प्राइसेस, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन फॉर वन, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स राइट, आपका GDP कितना है और आपका इन्फ्लेशन कितना है, ये दो ही तो फैक्टर हैं जिनके साथ आप खेल लेंगे और आप कितना खेल लेंगे इनके डिफरेंस में, तो वो चीजें होंगी। आपका लोन लेना प्रॉब्लम हो जाएगी, एक आम आदमी को बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपके जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिटर्न आपको बहुत कम मिलेंगे, आपकी FD इतनी आपको रिटर्न नहीं देगी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में। दिस इज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच टू वॉर फाइटिंग इन विच आपके 10-15 चीजें होती हैं जिसमें आप फोकस करते हैं कि मेक एवरीथिंग अ प्रॉब्लम लीगली। लीगली इंडिया ने कोई इलीगल काम नहीं करा, लीगली यू मेक इट सो डिफिकल्ट दैट द थ्रूपुट इन द सिस्टम रिमेंस द सेम, पाइप के अंदर पानी उतना ही रहेगा। तो जो भी पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब हम FATF से निकल जाएंगे, नहीं, ये प्रॉब्लम सर पे खड़ी रहेंगी, आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे फिर भी 4 प्रॉब्लम खड़ी रहेंगी, एंड ये सारी लीगल प्रॉब्लम है, इसमें इलीगल कुछ नहीं है, तो उसमें नसर हतफ ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर दूध का दाम 200 रुपए लीटर हो गया, 250 रुपए लीटर हो गया कल, उसमें हतफ क्या कर लेगा, उसमें नसर क्या कर लेगा, वो तो रहेगा उतना। सो दिस इज चीमा साहब, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स, मतलब आपको पता ही है, मुझसे बेहतर पता है, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाह रहा था। आई कांट हियर यू चीमा साहब, अभी आ रही है। इसमें यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया बिलीव्स इन अ वॉर बाय अदर मींस दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज जो कन्वेंशनल या जो वो बाकी चीज है, तो उसमें जारी बात है कि आप वो लड़के वो चीजें नहीं ले सकते जो आप जो है वो जिसे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आज के दौर में कहते हैं कि इकोनॉमी है और बहुत सारी चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी, बड़े सारे मामला हैं। खैर एनी हो, जारी बात है ये एक लंबी डिस्कशन है लेकिन मैं आज इतना ही इसको रखूंगा बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड के वट इज इन इंडियाज माइंड सेट, और खासतौर पर ये जो अजीत दोवल साहब का जो डॉक्टरेन के हवाले से एंड देन इज रिसेंट जो इंटरव्यू था ANI को उसके हवाले से। Thank you very much, Mere Sahab, for your time and for always helping us to understand what India is thinking and India's commitments. So, बहुत शुक्रिया, thank you. Thank you, Jim. Thank you, Jim. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और तारिक फतेह की नॉलेज से आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस लाते रहें। तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।